नमस्कार दर्शकों, एशियानेट न्यूज हिंदी के लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या जो है वो 24,541 हो गई है। आज पश्चिम बंगाल में 57, राजस्थान में 34 और बिहार में 2 मरीजों की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। इससे पहले शुक्रवार को 1408 संक्रमित बढ़े थे। यह आंकड़ा COVID-19 की वेबसाइट के अनुसार है। इसके अलावा राज्य सरकार की से मिल रही जानकारी के अनुसार भी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में संक्रमितों की कुल संख्या 24,506 है। इनमें से 18,668 का इलाज चल रहा है और 5,062 लोग जो हैं वो ठीक हुए हैं और 775 की जो मौत है वो हो चुकी है। सरकार का कहना है कि संक्रमितों का की जो रिकवरी रेट है वो बढ़कर 20.57 हो गई है, जो कि सबसे ज्यादा है। वहीं देश में एक महीने से लगातार लॉकडाउन चल रहा है, जारी है। अभी ये 3 मई तक चलेगा, लेकिन इस बीच केंद्र सरकार ने आम आदमी और छोटे दुकानदारों को बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने आज देश भर में सभी तरह की जरूरी और गैर जरूरी चीजों की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है, लेकिन ये सशर्त खोली जाएंगी। इसके लिए भी गाइडलाइन जारी की गई है, उनको आपको फॉलो करना होगा, तभी आप वो दुकानें जो है खोल सकेंगे। लेकिन ये दुकानें खोलने का जो डिसीजन है ये राज्य सरकार लेगी राज्यों में। केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। अब राज्य सरकार को ये निर्णय लेना है कि वो अपने शहरों को देखते हुए कितने सेंसिटिव हैं, उसके बाद वो डिसीजन लें। वहीं दूसरी ओर अमेरिका में कोरोना वायरस का जो है कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार नए नए दावे यहाँ पर किए जा रहे हैं। अब तक करीब यहाँ पर 50,000 जो है लोगों की रिपोर्ट जो है पॉजिटिव है, इलाज चल रहा है और हजारों लोगों की मौत हुई है। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अभी भी कोरोना से निपटने के लिए लोगों को अजीब सलाह देने में जुटे हुए हैं। गुरुवार को जो है यहाँ पर कहा गया है कि कोरोना वायरस को लेकर एक प्रेजेंटेशन हुआ। वैज्ञानिकों ने कहा है कि सूर्य की रोशनी से कोरोना वायरस 2 मिनट में मर जाता है। इस पर ट्रंप ने कहा है कि इस तरह की पावरफुल लाइट को मरीजों के शरीर के अंदर पहुंचाया जाए। कहना यह है वैज्ञानिकों का कि जो सूर्य है उसके प्रकाश से जो है कोरोना वायरस 2 मिनट में मर जाता है। उसके बाद जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि अगर ऐसा है तो जो मरीज हैं उनके अंदर ये प्रकाश उनके शरीर के अंदर दिया जाए ताकि कोरोना वायरस को मारा जा सके। दरअसल अमेरिका में कोरोना से निपटने के लिए बनाए गए टास्क फोर्स के वैज्ञानिक ने ये बात कही है, बिल ब्रायन नाम है उनका। उनका कहना है कि सूर्य के प्रकाश से कोरोना वायरस के मरने की उन्होंने जानकारी दी। इस पर ट्रंप ने कहा है कि तुम इस रोशनी को त्वचा और शरीर के अंदर ले जाओगे, मुझे विश्वास है कि तुम ये टेस्ट जरूर करोगे। उन्होंने कहा है कि जो भी कोरोना पॉजिटिव है उनमें ये सूर्य का प्रकाश त्वचा और उनके शरीर में अंदर लेकर जाया जाए। इस पर ब्रायन ने कोई जवाब तो नहीं दिया। इसके बाद ट्रंप ने कहा है कि मैंने पहले भी सूर्य की तेज रोशनी और गर्मी में कोरोना वायरस के खत्म होने की बात कही थी, लेकिन तब लोगों ने ये नहीं माना, लेकिन अब ये सिद्ध हो गया है। ट्रंप ने दी दूसरी सलाह, जो दूसरी सलाह यही कहा है उन्होंने कि लगातार जो कोरोना पॉजिटिव के मिल रहे हैं लॉकडाउन का फॉलो करिए और जो प्रिकॉशंस हैं वो लेते रहिए तो कोरोना वायरस जो है वो नहीं होगा। आइसोप्रोपिल एल्कोहल जैसे क्लिंजर का इंजेक्शन लगाना चाहिए, ये भी बात कही है, सुझाव दिया है कि कोरोना के जो मरीज हैं उनको ब्लीच और आइसोप्रोपिल एल्कोहल जैसे क्लिंजर का इंजेक्शन लगाना चाहिए। तो ये यहाँ पर बात कही जा रही है। ब्रिल ब्रायन ने बताया था कि ब्लीच और आइसोप्रोपिल एल्कोहल वायरस को 5 मिनट में और एल्कोहल 30 सेकंड में मार देता है, इसलिए ये सलाह जो है वो वहाँ पर दी जा रही है। अब तक 7.4 लोग ठीक भी हो चुके हैं। अमेरिका में अभी भी स्थिति जो है वो काबू में अब होती भी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि मामले बढ़ रहे हैं, संक्रमितों की जो केस हैं उनकी संख्या जो है और बढ़ रही है, मौत का आंकड़ा भी यहाँ पर बढ़ रहा है, इसलिए नए नए रिसर्च यहाँ पर हो रहे हैं। तो एशियानेट न्यूज हिंदी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। पल पल की अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।